ओम शांति। आपका प्रश्न है, सारी रात नींद नहीं आती, क्या करें? नींद ना आने का कारण क्या होता है? इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। क्या है कि हमारे मन में इतने विचार चलते रहते हैं, कि हम रात को सोना चाहते हैं तो सो नहीं सकते। क्यों नहीं सो सकते हैं? शारीरिक रूप से जबकि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं, यहां ये बहुत ही एक स्वस्थ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होता है कि बीमारी हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार से छिपी होती है जैसे पानी में हिमशैल छिपा होता है। हम शारीरिक रूप से केवल मोटे हैं, तगड़े हैं, इससे बात नहीं होती है। बीमारी हमारे अंदर कहीं ना कहीं छिपी हुई है और वो हिमशैल की तरह छिपी होती है, जैसे बर्फ पानी के अंदर चला जाता है, बर्फ का थोड़ा सा हिस्सा बाहर दिखाई देता है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, गैस लग रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर ऊपर से कुछ थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर जाते ही सबसे पहले हमारी बाजू पकड़ता है और उसके ऊपर एक मशीन फिट कर देता है और फिर बताता है कि तुम्हारा बीपी हाई है या बीपी लो है। अब ये बीपी हाई और बीपी लो क्यों हुआ? उसका कारण है हमारे विचार शुभ नहीं है, हमारे विचार नेगेटिव, वेस्ट, दुख देने वाले विचार, जिनके कारण भय के विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं, चिंता के विचार हैं। अब ऐसे विचार होंगे तो बीपी ऑटोमेटिक हाई या लो होगा ना। बीमारी कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा है। दूसरा है गहरी नींद, रात को नहीं आ रही है। उसका कारण है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को कि हमारा क्या खराब है? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के कारण हमें रात को नींद नहीं आ रही। अंतर समझ में आ रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है जिसके कारण हमको रात को नींद नहीं आ रही। तीसरी बात आती है हमारे पहले अचार। एक और रात की नींद के लिए एक और कारण भी यहां पर समझ लेना है। वो कारण हमारा क्या होता है कि हमें कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई भय है, कोई ईर्ष्या है, कोई बदले की भावना है उसके कारण, और या हमें जिम्मेवारियां इतनी हैं, पारिवारिक समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिसके कारण मैं रात को चाहता हुआ भी नहीं सो पा रहा। जब आप रात को चाहते हुए भी नहीं सो पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप पूरी नींद ना करने के कारण अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। रात की गहरी नींद करना जरूरी है तो हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारा पेट खराब है तो रात को नींद नहीं आएगी।
यदि हमने गलत आदतों के कारण गलत लोगों के संग में आकर गलत आदतों में आकर गलत विचारों में आकर हमने रात की नींद नहीं की है या पारिवारिक समस्याओं के कारण हम रात को कई दिनों से सो नहीं पाए हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है जिसके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमें गहरी नींद नहीं आती। इन दोनों को ठीक करना है। इसके बाद आता है हमारे पास अंतःस्रावी प्रणाली। इसको बीमार करने वाले हैं हमारा बैलेंस डाइट नहीं है, हम एक ही चीज रोजाना खाए जा रहे हैं। हमें सब चीज फल भी खाने चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए, हर चीज हमारे भोजन में अवेलेबल। तो हमारी सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां शक्तिशाली होती हैं, नहीं तो वो खराब हो जाती। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें रोजाना एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, सैर करना है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है सैर करना, रोजाना नियमित रूप से सैर करने के लिए जाना है। यदि आप ये चार बातें अपने जीवन में कर रहे हैं तो आपका सारा शरीर स्वस्थ रहेगा। यदि इनमें से कोई चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर करना शुरू कर दे। एक हमारे इसके अंदर आता है हम ये शुभ विचार कैसे करें, जो सबसे बड़ी एक मुसीबत बनी हुई है शुभ विचार। और शुभ विचार करने के लिए हम कैसे अपने आप को जो है चेंज करें। ओके, अब हमारी नींद ना आने का कारण दूसरा जो सबसे मेन है वो है टेंशन। तनाव के कारण हमें रात को नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई तनाव नहीं है, हमें कुछ ऐसी बातें नहीं है, हमें ऐसा है ही नहीं, हम तो एकदम तनाव मुक्त हैं, हमें कोई टेंशन होती ही नहीं है। परंतु वो जानते नहीं है कि उन्हें टेंशन है। टेंशन का पहला कारण है ये क्रोध। दुनिया में एक ढूंढ के लाओ उसे क्रोध ना। क्रोध है हमारे तनाव का पहला कारण। तो हमें अपने आप को क्रोध मुक्त करना है। दूसरा है भय, तीसरा है ईर्ष्या, चौथा है चिड़चिड़ापन, और उसके बाद पांचवा है निराशा, और छठा है शंका डाउट, और उसके बाद हमारे पास नींद गाय। इनमें से एक भी आपके पास है तो आपकी नींद ऑटोमेटिक खराब है। ये पांच छह ये ऐसे दुश्मन हैं जो रात को नींद नहीं करने देते। इनको चेक करना है।
यदि ये हैं और इनके कारण आपकी नींद खराब है तो आप समझ लीजिए कि ये इतने खतरनाक दुश्मन है कि ये आपकी आंखों की रोशनी को खा सकते हैं, या आपका हार्ट अटैक करा सकते हैं, या आपका ब्रेन हैमरेज करा सकते हैं। इतना हानिकारक है। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसे बोलते हैं टेंशन, तनाव। ऐसे विचार जो रात को सोने नहीं देते। अब इन विचारों से जो प्रभाव पड़ता है, हम और क्या प्रभाव पड़ता है इसका, वो सबसे बड़ा भयानक प्रभाव इसका ये पड़ता है कि हमारा जो देख रहे हैं, हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है कि यहां से ब्रेन से, जहां हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड यहां दिखाए हैं, इधर परली तरफ ऊपर देख रहे हैं, ठीक है नहीं, तो वो जो है ये ग्रंथियां, ये देखिए ये लिखा है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एक इसके साथ ग्रंथि होती है पीनियल, इन तीनों ग्रंथियों से एक ऐसा हार्मोन्स निकलता है जिसको हम पॉइजनस हार्मोन्स कहते हैं, और उसके बाद वो हार्मोन्स हमारी अन्य सब ग्रंथियों को प्रभावित करता है, जहां से फिर पॉइजनस हार्मोन्स रिलीज होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये मेन है, कंट्रोलर है पूरी बॉडी का, और ये कंट्रोलर जब बिगड़ता है तो ये फिर हमारे थायराइड को डैमेज कर देता है, ये हमारे एड्रिनल को डैमेज कर देता है, ये हमारे पैंक्रियास को डैमेज कर देता है, ये हमारी ओवरी को डैमेज कर देता है। ये क्या नहीं कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये हमारे शरीर के किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है, हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। शुरू में नहीं पता लगता, परंतु जब पता लगता है तब हम कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए बहुत बेस्ट फॉर्मूला परमपिता परमात्मा हमें समझाते कि बच्चे मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन भी दुनिया में बहुत सिखाते हैं, कोई लिमिट नहीं है, परंतु ट्रू मेडिटेशन क्या है इसे वो नहीं जानते। ट्रू मेडिटेशन क्या है सत्य में वो जानते नहीं। इस मेडिटेशन को सीखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजयोग मेडिटेशन की विधि 7 दिन का कोर्स दिया हुआ है। आप उसे खोलेंगे, 4-4, 5-5, 7-7, 10-10, 20 मिनट, कुछ बड़े भी हैं वीडियोस, उनके नाम दिए हुए हैं, आपको जो वीडियो देखने का दिल करता है आप उनको देखते जाइए, समझते जाइए, आपको अच्छा लगे और देखिए, और उसके बाद यदि आपके कोई भी मन में उठने वाला प्रश्न है वो उसको शांत करते जा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका वो प्रश्न उसमें है नहीं, उसका उत्तर उसमें है नहीं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, या वीडियो नहीं बना हुआ है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा, ताकि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। जब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा तब आप योग कर सकें। योगी सभी हैं, परंतु विश्वास ना होने पर, डाउट होने पर योग नहीं लगा सकते, योग की सही विधि नहीं जान सकते, तो आप बहुत अच्छी नींद जब चाहेंगे तब कर सकेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो अपने नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं,
और यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप 9213106986 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओम शांति।